पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का हुआ शंखनाद। पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए 4 फरवरी को होगी वोटिंग। आचार संहिता लागू। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। बैटनी कैसल एस्टेट को दिया जाएगा नया रूप। गोविंद सागर पर बन रहे पुल का जल्द होगा निर्माण पूरा। कई विभागों में भर्तियों को भी दिखाई गई हरी झंडी। प्रदेश सरकार का दावा, 500 करोड़ की कौशल विकास भत्ता योजना को सफलतापूर्वक किया गया लागू। 45,000 युवाओं को दिया गया रोजगार। विपक्ष के 1,000 युवाओं को नौकरियों देने के आरोप को सीएम ने बताया निराधार। फतेहाबाद में एसपी ओपी नरवाल ने ज्यादा वजन वाले पुलिसकर्मियों को लगाई लताड़। 2 महीने में वेट लूज करने का दिया फरमान। बोले, ज्यादा वजन वाले पुलिसकर्मियों को करेंगे तंदुरुस्त। यमुनानगर में गैंग वॉर के चलते कोर्ट में चली दिन दहाड़े गोलियां। पेशे पर आए हत्या के आरोपी और पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 1 आरोपी गिरफ्त में, 3 फरार। गुरुग्राम में फिर सामने आया साइबर क्राइम का मामला। सोशल मीडिया के जरिए युवक से ठगे 1,00,000 रुपए। 2 नाइजीरियन युवक लड़की बनकर कर रहे थे पीड़ित युवक से बातचीत। 1 युवती समेत 2 आरोपी गिरफ्त में। जींद में ससुराल वालों ने महिला के साथ किया अमानवीय व्यवहार। बेरहमी से पिटाई कर तोड़ा पीड़िता का हाथ। कड़ाके की सर्दी में घर से भी निकाला। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मनाली में मौसम ने फिर ली करवट। बीती रात से ही जारी है बारिश। सुबह से ही सोलंग वैली, धुंधी और रोहतांग में भारी बर्फबारी का दौर। 3 इंच से लेकर 1 फीट से ज्यादा दर्ज किया गया स्नोफॉल। सैलानियों की बल्ले बल्ले। खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में भी शुरू हुई बर्फबारी। सैलानी जमकर उठा रहे हैं हसीन मौसम का लुत्फ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बर्फबारी की संभावना जताई।